दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नीट का 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पेपर सेट का नीट का मेरे को शायद ग्रेड ए है। तो क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स एल प्लस एल, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज। अब जो वायर है उसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी है वो निकालनी है बेटा। इसके लिए जो है हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट यूज होगा स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, लेकिन वो कब, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? जब ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है, जब ऑब्जेक्ट जैसे ये है, जैसे जब ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि ये है, इस पर फोर्स लगाई हमने इधर और इधर, तो ये इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर इस शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन उसके लिए पोटेंशियल होने के लिए वो इलास्टिक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इलास्टिक की क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, सेम टू सेम वो अपनी इनिशियल पोजिशन में आ जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, तो पोजीशन रीगेन कर लेगा तो ये इसके अंदर मतलब एनर्जी स्टोर होगी पहले, तभी तो पोजीशन रीगेन करेगा। वो जो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, लेकिन वो इलास्टिक रीजन में होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आता कैसे है? तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है जो हम सब पढ़ते हैं, ये इलास्टिक रीजन होता है यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक ये क्या है? इलास्टिक रीजन होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी, वो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। तो जैसे कि अपने को पता है वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक फोर्स होना चाहिए और एक लेंथ वाली कोई यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ये तो फोर्स पर यूनिट एरिया है और ये लेंथ अपॉन लेंथ है, तो फोर्स इंटू लेंथ तो एनर्जी बन रही है, लेकिन ए इंटू एल, तो ये जो है ना, ये जो रीजन होगा, जो एरिया जो होगा, ये स्ट्रेन एनर्जी नहीं देगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो एरिया ऑफ ये होगा। तो ये क्या होगा? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है? इसका स्ट्रेन है, हाइट क्या है? इसकी स्ट्रेस है। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया स्ट्रेन एनर्जी का, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन है सेम टू सेम वही चीज है, इसके ऑब्जेक्ट ये इसकी लेंथ चेंज हो गई है, लेंथ चेंज हो गई है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई होगी, क्योंकि बहुत लंबा वायर था और इलास्टिक एनर्जी निकालनी है अपने को, इसमें इलास्टिक दे रखा है ना, तो स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होगा? ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है, और स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? डी एल बाई कैपिटल है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी जो है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी। वॉल्यूम क्या होगी? एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एल, ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो लिया है वो ए लिया है और जो लेंथ है वो ये, ठीक है। तो ये ए एल क्यों लिखा? एल प्लस एल क्यों नहीं लिखा? ये इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इसका शेप तो हमारे पास यही हो जाने वाला है ना, दोबारा ये रीगेन एल ही करेगा, तो ये जो चेंज होगा ये नेग्लिजिबल होगा, और वैसे भी अपने को ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है वो निकालनी है। तो जैसे हम छोड़ेंगे तो ये एनर्जी फिर से उसके अंदर हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, तो शेप इसका फिर से एल हो जाएगा, ठीक है। तो उस लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर है, ठीक है, तो हाफ एफ जो आएगा वो क्या आएगा? एम जी आएगा, और ये ए रहेगा, और ये एल जो होगा वो क्या होगा? कितना चेंज होगा? तो चेंज क्या होगा? एल प्लस एल माइनस एल, ठीक है। तो ये क्या होगा? एल होगा, और ये जो आएगा एल आएगा, तो एल से एल गया, ए से ए गया, तो ये क्या आ जाएगा?
हाफ एम जी ठीक है। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।